हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक ट्रैक करने वाले हैं बिटवीन द ऑडी Q7 एंड आर स्कोडा लॉरा। स्कोडा लॉरा जो है हमारी, उसकी बात करते हैं पहले। फ्रंट व्हील ड्राइव, 1800 cc का TSI इंजन, मैनुअल गेयरबॉक्स, 165 bhp, 250 Nm का टॉर्क। 165 इसलिए बोला मैंने क्योंकि इसका एंड कैन रेजोनेटर निकला हुआ है। Q7 जो है वो TDI यूज करती है, V6 3 लीटर का, और ये इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑडी का वन ऑफ द बेस्ट इंजन है ये। और अगर हम इसकी TDI की बात करें, क्वात्रो यूज़ करती है, 250 bhp, 600 Nm का टॉर्क। क्लियरली बहुत ज़्यादा पावर है यार गाड़ी के अंदर। लेकिन वेट की बात करें तो वो 2200 किलो की है और ये 1400 किलो की, तो क्लियरली वो चीज़ भी मैटर कर जाएगी। फिर वो एक SUV है, फुल फ्लेजेड, ये है एक सेडान, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। पावर पुट डाउन बहुत अच्छे से करेगी ऑडी Q7, और हमारी जो लॉरा है वो इतनी अच्छे से नहीं करेगी। तो सीधा ड्रैग के लिए चलते हैं, वही मिलता हूँ मैं आपसे, हम जाएंगे अपनी लॉरा के अंदर। हम पहले ड्रैग के लिए आ गए हैं Q7 के साथ। ठीक है ठीक है, हमारा भी सेम है, स्पोर्ट नहीं आता तो ऑब्वियसली मैनुअल है और ट्रैक्शन ऑफ है, AC भी ऑफ है। भाई Q7 आगे है, चल चल। अरे यार ब्रेक ले ली उन्होंने, पकड़ रही थी लेकिन भाई व्हील स्पिन, चल 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 चल, पकड़ेगी भाई ये, पकड़ेगी, चल चल कम ऑन। अरे भाई रील तो कर रही है, रील कर रही है, रील कर रही है, रील कर रही है। अरे यार ब्रेक ले ली उन्होंने भाई, जैसे ही एकदम पास पहुंचने लगती ना वो ब्रेक ले लेते हैं। शिट यार, ट्रैक ना हमारे पास है तो लंबा, बट वो ब्रेक जल्दी ले रहे हैं, ब्रेक जल्दी ले रहे हैं, वरना ये 150 पे पीछे 150 पीछे कर देगी, 140 तक तो वो आगे रह रही है। वो है भाई, उसका ना लॉन्च बहुत बढ़िया, क्योंकि लॉन्च भाई फिर 1 करोड़ की गाड़ी है वो, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे हैं, 1.5 करोड़ की भाई, भाई 1.5 करोड़ की है V6 इंजन वाली, तो भाई ये चीज तो है ना, 1.5 करोड़ की, 15 लाख की भाई। यहाँ पर पूरा ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, वहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है। गाइस रोल रेस करें, तीन ऑन दें, ठीक है, तीसरा लंबा खींच दूंगा, ठीक है, चलो भाई 20 से करते हैं भाई रोल, साथ-साथ आ जाए गाड़ियां शुरू। भाई चल लॉरा, चल 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 भाई, अब नहीं आएगी Q7, अब नहीं आएगी Q7 भाई, आ रही है, शिट 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 शिट, नहीं अभी नहीं जाएगी, देख वो अभी देख, और मिटा के अपनी जाएगी भाई, देख अब कब कहीं नहीं जाती, ब्रेक ले ब्रेक ले ब्रेक ले ब्रेक ले ब्रेक ले ब्रेक ले। भाई ये तो लॉन्च में जा रही है, लॉन्च में जा रही है, रोल में निकल रही है भाई ये गाड़ी आगे। हां कैसे चली जाएगी भाई, बहुत ही मजेदार था यार ये, देख रियल लाइफ में तो रोल ही होती है, हाईवे पे तो ये खा जाएगी। जीत गई ना रोल, जीत गई ना। तो गाइस इस रोल को यहीं कंक्लूड करते हैं, रोल जीत चुकी है, ड्रैग हार जाती है लेकिन लॉरा। गाइस इस रेस का कंक्लूजन यही रहता है कि Q7 जो है वो रोल में लॉरा से हार जाती है, लेकिन ड्रैग में क्लियरली जीत जाती है, और वो इसलिए क्योंकि हमने 140 के आसपास तक ही करी, 400 मीटर पूरे होते ही वो जीत जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे 160 के आसपास करेंगे तो बहुत इजीली लॉरा आगे निकल जाएगी, क्योंकि रील कर ही रही थी आधी, स्कोडा फॉर अ रीजन, आधी गाड़ी के गैप से जीती थी, मतलब आधी गाड़ी के गैप से वो जीती थी भाई, गाड़ी छुप गई पूरी, हल्का हट जा। मेन जो इसके जीतने का कारण है ना, मैं सबको बताया था, JDM alloys, यही रीजन है ना। तो गाइस इस रेस को ही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, बाय।